नूह के पंजगांव में खनन माफियाओं द्वारा डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस सैलन मित्तल की देखरेख में ये आयोग जांच करेगा। नूह के पंजगांव में अवैध माइनिंग रोकने गए डीएसपी की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से एक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। हमारे साथ में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आयोग का गठन किया गया है, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी अब डीएसपी हत्याकांड मामले में? जहाँ सुरेंद्र बिश्नोई के जहाँ डंपर से उसको मौत के घाट उतारने का काम करा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है एलएन मित्तल जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और एक महीना में दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे कि सुरेंद्र बिश्नोई की किस तरह जो हत्या हुई है उसकी पूरी जानकारी, पूरा विवरण पूरे प्रदेश के सामने रखें। पुलिस अपने स्तर पर भी जांच कर रही थी, क्या सरकार को भरोसा नहीं है पुलिस की जांच पर, जो अलग से आयोग गठन करने की नौ बताई, और जो आयोग है वो किन किन बातों की जांच कर रहेगी इसका कमेटी? मेरा मानना है जो विधानसभा में जब मेरे मित्रों ने आवाज़ उठाई थी, बार बार हम कहते प्रदेश की पुलिस पे आप भरोसा रखिए, प्रशासन भरोसा रखिए, और उनके कहने के बाद कल ही चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी को गठित किया है और सबके सामने सब पर भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है और रिटायर्ड एलएन मित्तल जी हैं, वो भी दूध का दूध पानी का पानी न्याय करेंगे और लोगों के सामने। यानी कि विपक्ष के दबाव में आकर आपको सरकार को फैसला लेना पड़ा है कि अब न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी? नहीं, हमने विपक्ष के कभी बात नहीं की, लेकिन मांग तो विपक्ष की थी सर। मांग करना हम सबका सुनते हैं, सबकी आवाज़ देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, कोई बढ़िया बात कहता उसकी बात पे रखी जाती है, कोई अपने कोई आदमी दूसरा कहता है कोई बढ़िया बात प्रदेश के हित में, उसकी बात रखी जाती है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, सरकार किसी के दबाव में, सरकार आम आदमी आम व्यक्ति के हित में जो कार्य करिए आम व्यक्ति के हित में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को फरीदाबाद पहुंच रहे हैं, देश के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल जिसे दावा किया जा रहा है देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन यहाँ करेंगे, क्या इसके साथ में क्या कोई रैली या जलसा इस तरह का भी कोई कार्यक्रम बीजेपी कर रही है क्या? बड़ी खुशी की बात है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2019 के बाद दोबारा 19 के बाद अमृता हॉस्पिटल जो अम्मा का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा देश का हॉस्पिटल है, जो फरीदाबाद का सौभाग्य है, एनसीआर का भाग्य, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं और बड़ी रैली होगी और लोगों में खुशी है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आ रहे हैं। उसके लिए सभी लोग युद्ध स्तर पर अमृता हॉस्पिटल के अम्मा भी उसमें हैं, सरकार भी इसमें, सब लोग लगे हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में जोर शोर से उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी की जा रही है जोर शोर से बीजेपी पार्टी की तरफ से भी, दूसरी तरफ जिस तरह से न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था, अब लेकिन गठन कर दिया गया है, एक महीने में पूरी तरह से जांच कर ली जाएगी और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर हत्या के पीछे क्या मकसद था और जो अवैध माइनिंग हो रही थी वो आखिर उसके पीछे भी क्या वजह है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज नूह। वहीं पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र में कल 21 अगस्त को जेजेपी की रैली होने वाली है, इस रैली का नाम जन सरोकार रैली रखा गया है। इस रैली को संबोधित करने के लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। हथीन क्षेत्र के साथ साथ पलवल जिले में इस रैली को लेकर लोगों के अंदर भारी उत्साह बना हुआ है, लोगों को उम्मीद है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस रैली में उनके लिए नई नई सौगात देकर जाएंगे। युवाओं ने कहा हथीन विधानसभा क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उनको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इस समय हम हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव कोट में, जहां पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कल रैली होने जा रही है और इसको लेकर यहां क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में,
इस रैली को लेकर काफी चर्चा है। इस रैली का नाम जो दिया गया है, और पहला हरियाणा में ऐसा मौका जो इस रैली का नाम जो दिया है वो जन सरोकार रैली नाम दिया गया है। और यहाँ पर काफी लोग हैं यहाँ पर जो रैली में पहुंचेंगे, जो रैली स्थल पर खड़े हुए उनसे हम बात करते हैं। गांव कोट के लोग हैं, क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर जी, ये बताइए कि कल जो रैली होने जा रही है किस तरह की रैली होगी और कैसा माहौल है और क्या उम्मीद है आपको? बहुत अच्छा माहौल है जी, लगभग 25-30 हज़ार आदमियों की उम्मीद है यहाँ पर पहुँचने की, और ज़्यादा संख्या में इस रैली को बहुत उत्साह के साथ में मतलब जो है कि बहुत प्यार प्रेम से धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी मोहम्मद सागर। मोहम्मद जी, ये बताइए कि जो कल रैली होने जा रही है किस तरह का माहौल है कि युवा? ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लगभग 25 से 30 हज़ार आदमी की आने की पूरी आशंका है, बढ़कर ये 50 से 55 हज़ार तक की जो उम्मीदें हैं। तो ये कितने एकड़ में टेंट लगाया जा रहा है रैली के लिए? पहले जी 25 से 30 हज़ार आदमी का जो प्रोग्राम था, ये पहले 6 एकड़ जमीन खरीदी गई थी जैसे फसल कटवाई थी, फिर उसके बाद में ये और 3 एकड़ बढ़वाई गई है, क्योंकि 50-55 हज़ार ऐतिहासिक रैली जो ये बताई जा रही है चौधरी हर्ष कुमार जी के द्वारा, और भी नेता यहाँ आएंगे, ये पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये रैली हरियाणा की ऐतिहासिक रैली होगी और जिसको लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह है, और 20 से 25 हज़ार से भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। 8 एकड़ के अंदर ये टेंट लगाया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे, और इस रैली को संबोधित करने के लिए 10 बजे का जो समय दिया गया है, हरियाणा के डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचेंगे और चौधरी हर्ष कुमार क्षेत्र की मांगों को उनके सामने रखेंगे। अब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ क्षेत्र की अच्छी सौगात हरियाणा के डिप्टी सीएम यहाँ से देकर जाएंगे। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के नगर निगम के होने वाले चुनाव में देरी हो सकती है। हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में अब किए गए सर्वे को लेकर नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। इसी बात को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा कि सरकार निगम के चुनाव अभी टाल सकती है। एक रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में किए गए सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में कुछ लोग गए हैं और हाईकोर्ट की तरफ से अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो निगम के चुनाव है, चाहे मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वो लटक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मामला गुरुग्राम में हुआ है उसी तरह का कुछ मामला फरीदाबाद में भी था, और जो एजेंसी जिसको नोटिस जारी किया गया है, सर्वे एजेंसी, वही सर्वे एजेंसी फरीदाबाद में भी उसने काम किया था। हालांकि फरीदाबाद में जो वोटर लिस्ट का नोटिफिकेशन है वो डीसी की तरफ से जारी किया जा चुका है। हम फिलहाल सेक्टर 12 डीसी ऑफिस पर ही हैं, क्योंकि डीसी की तरफ से ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन आखिर चुनाव क्यों लटक सकते हैं? तो फरीदाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता हैं पारस भारद्वाज, जो हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट में जाने के बाद में जिस तरह गुरुग्राम का मामला था, इसी तरह फरीदाबाद का भी था। फरीदाबाद में जो मामला हुआ था, भारद्वाज जी, क्या जिस तरह गुरुग्राम का है सेम वही है या कुछ फर्क है? देखिए, सेम मामला है, हमारे यहाँ पर गड़बड़ियाँ कुछ और ज्यादा हैं। गुड़गांव वाले में केवल उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर डाला है, और हमने इस वार्डबंदी की टेक्निकलिटी और प्लस पॉपुलेशन सर्वे में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर हमने हाईकोर्ट में, हम अप्रैल में चले गए थे इसको। हाईकोर्ट में जो नोटिस अब हाईकोर्ट ने जारी किया है गुरुग्राम में, वहाँ और आपने जो केस डाला था, उन दोनों में फर्क क्या है, पहले उसे समझने की कोशिश करें। तो देखिए, फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों ही जिलों के अंदर एक ही एजेंसी है काम कर रही है। याशी कंसल्टिंग जो है वो एक एजेंसी है जो गुड़गांव में भी कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है। यहाँ पर उनकी सहायक जो एजेंसी है वो डीएमआर के इन्फोटेक है, ये उत्तम नगर की एजेंसी है। हमने एक आरटीआई के माध्यम से पता किया था, आरटीआई का मेरे पास जवाब भी है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भाई इस एजेंसी को इस तरह का पॉपुलेशन सर्वे करने का, जनगणना करने का कोई पुराना तजुर्बा नहीं है, इसको कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन खामियां क्या दिखी हैं आपको इस सर्वे में, जो फरीदाबाद में जो सर्वे हुआ? देखिए, इसके अंदर टोटली खामियां ही खामियां हैं। इसमें सबसे पहली खामी तो ये है कि भाई अलग अलग जो वार्ड हैं उनके अंदर इन्होंने जो पॉपुलेशन है वो 57 हज़ार की पॉपुलेशन का एक एवरेज लिया है कि हर उसके अंदर 57 हज़ार की पॉपुलेशन होगी, वार्ड के अंदर 57 हज़ार की पॉपुलेशन होगी। अब 57 हज़ार की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम मोटा मोटा इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो जो इसके वोटर्स हैं वो लगभग कहीं 10-5% का वेरिएशन सब में बराबर होना चाहिए, लेकिन किसी वार्ड में तो 45 हज़ार वोटर हैं, किसी में 12 हज़ार वोटर हैं, किसी में 17 हज़ार वोटर्स हैं। वार्ड नंबर 31 के अंदर आप देखेंगे तो 12-13 हज़ार वोटर्स हैं, वार्ड नंबर 32 है उसके अंदर 17 हज़ार वोटर्स हैं, और इसी तरीके से वार्ड नंबर 41 जो है, वार्ड नंबर 41 के अंदर करीब करीब 45 हज़ार वोटर हैं। तो आप ये देखिए कि ये कैसे संभव है कि 57 हज़ार
पॉपुलेशन और 45,000 वोटर है। तो इस तरह की जो एक तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी है, फिर जो इंटरनल हमारे पास जब हमने डेटा सर्वे का हमने देखा, मेरे अपने खुद के परिवार के अंदर जो डेटा है, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं लेकिन इनके सर्वे के हिसाब से उसके अंदर केवल 2 सदस्य रह रहे हैं परिवार में। तो और बहुत जगह ऐसे दिखा रखे हैं कि जो पॉपुलेशन ब्लॉक्स है, मैंने पूरे नक्शे पर एक एक ब्लॉक को स्टडी किया है, तो बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर पॉपुलेशन है ही नहीं। कोर्ट ने कोई स्टे तो दिया नहीं हुआ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या है कि एक जो प्रेसिडेंस जो कहता है कि जब तक क्लियरेंसेज नहीं मिल जाती तब तक सरकारें चुनाव नहीं कराते, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई तो चलती रहेगी। अगर बाई चांस मान लीजिए हम उसके अंदर कोर्ट में हमें विजय प्राप्त होती है या जो टेक्निकल चीजें हैं उनको मान्यता मिल जाती है, तो फिर ये जो चुनाव होगा इसको रद्द करना पड़ेगा। निश्चित तौर से देखिए बड़ी बात कह रहे हैं ये भारद्वाज, जो पारस भारद्वाज, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकारें अमूमन इस तरह से चुनाव नहीं कराती जब हाई कोर्ट में या कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो, लेकिन क्योंकि अगर जीत किसी दूसरी पार्टी की होती है तो फिर चुनाव भी रद्द कराए जा सकते हैं, इसी से बचने के लिए सरकार चुनाव नहीं कराती है। और इसी बात को लेकर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव जो निगम के हैं, तीनों निगम के, वो लटक सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज गुरु। वहीं फरीदाबाद के समाज एवं कल्याण विभाग ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया है। पिछले 8 महीनों में पीड़ित व्यक्ति सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला समाज एवं कल्याण विभाग ने फरीदपुर निवासी राजा राम को मृत घोषित कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन भी बंद कर दी गई है। जब राजा राम इस बात की जानकारी लेने के लिए समाज एवं कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे तो विभाग के लोगों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, इसलिए अब पेंशन नहीं मिल पाएगी, आपको अपने जिंदा होने का सबूत लेकर आना होगा, ऐसा वहां पर लोगों का कहना था। मेरे साथ ये हुआ जी, मैं पेंशन ले रहा था, मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई, बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज दे दिया, उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। मैंने अब भैया से भी कही यार, इकाई ने कोई शिकायत के कोई कुछ, बोला बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे से ऊपर से कोई गलती से या मिस्टेक से कटी है। उन्होंने हमें कागज लिखकर के दिए जी ये मृत्यु घोषित कर दिए हैं। भाई जी मृत्यु घोषित कैसे कर दिए? बाबा तो सामने है, आपके सामने मेरे साथ आए हुए हैं, मैं भी ये भी नहीं है भाई, इकला आया हूँ पूछने के लिए, बाबा ये रहो। तो जी उन्होंने कहा हाँ बाबा तो है जी, पर ये तो मृत्यु घोषित कर दिया है। भाई बाबा रीजन बताओ कैसे करो, क्यों जी आप ऐसा करो, या तो जहाँ उनके पास में CHC सेंटर है या क्या करें कोई भी PSC या हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर पता करो जो भी आपका लगता हो। तो बाबा वहाँ लेके गए, बाबा चल भाई वहाँ चलते हैं तो पता करते हैं कैसे कटी। तो हम खेरी हॉस्पिटल में गए, बाबा ले गए, बाबा ले जाने के बाद मैं उनसे पूछी भैया ये पेंशन कट गई है हमारी और ये मृत्यु घोषित कर रखे हैं, मुझे ये तो मृत्यु घोषित है। भाई मृत्यु घोषित है तो सामने तो खड़ा हो, पहले वहां तो देखो आप। वहीं दिल्ली वडोदरा गुजरात होते हुए मुंबई तक जाने वाला एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन इस निर्माण कार्य के बीच आने वाले 1600 पेड़ों को HSBP ने कटवा दिया है, यानी कि HSBP इन पेड़ों को बचाया जा सकता था लेकिन विभाग ने पेड़ों के बजाय अवैध दुकान और शोरूम को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। देखिए समय मौजूद है, बंबई बड़ोदरा जो एक्सप्रेसवे है उसका काम जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है और इस समय उसी हाईवे के ऊपर मौजूद है। और आपको एक बार बता दें जिस तरीके से लगातार इसका काम जो है वो तेजी से चल रहा है और खास तौर पर इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो पेड़ जो है वो अधिकारियों की तरफ से विभाग की तरफ से काटे गए थे। और एक बार आपको दिखा देते हैं लगातार जिस तरीके से पेड़ जो है, ये 26 किलोमीटर का पूरा हाईवे है जो बदरपुर बॉर्डर से लेकर और सीकरी तक जो है वो लगता है और उसके बाद जो है इस पर जो पेड़ काटने का काम जो है विभाग की तरफ से किया गया था। लेकिन एक नियम कहते हैं कि पेड़ काटने से आप पेड़ काट रहे हो, पेड़ काटने के बाद जो है उन्हें पेड़ दूसरी जगह भी जो है वो लगाने होते हैं, लेकिन वो पेड़ जो है यहाँ से काटने के बाद में दूसरी जगह कहीं भी पेड़ जो है वो नहीं लगाए गए। जिस तरीके से बम्बई एक्सप्रेसवे का काम जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो पोल्यूशन जो है वो लगातार फरीदाबाद के अंदर बढ़ता जा रहा है। अगर अधिकारी चाहें तो पेड़ों को बचा सकते थे और दूसरी जगह पेड़ जो है वो लगा सकते थे, लेकिन इन दुकानों को बचाने के लिए उन्होंने बाईपास पर जितने भी पेड़ थे उनों को काटने का काम किया और इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है
पोल्यूशन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ेगा और ऑक्सीजन की कमी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।